मंडी जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया ने विधायक जवाहर ठाकुर पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के प्रति टिप्पणी करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए गुलेरिया ने कहा कि विधायक जवाहर ठाकुर द्रंग के विकास की तरफ ध्यान दें। जनता ने विधायक विकास कार्यों के लिए चुना है, लेकिन आज द्रंग विकास के नाम पर पिछड़ता जा रहा है। सड़कें खस्ता हाल हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, तहसील कार्यालय पद्धर में तहसीलदार नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय सिविल अस्पताल पद्धर में 4 विशेषज्ञ चिकित्सक थे, आज अस्पताल में डॉक्टरों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने 1977 से लेकर 8 बार द्रंग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास की गंगा बहाई थी। आज जिन कार्यों का जवाहर ठाकुर श्रेय ले रहे हैं वो कौल सिंह की ही देन है। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार के समय कौल सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। जवाहर ठाकुर को वे नसीहत दे रहे थे कि अगर कौल सिंह के बराबरी उन्होंने करनी है तो वे पहले द्रंग का विकास करवाएं। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं। सत्ता पक्ष सही कार्य नहीं करता है तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का राजनीतिक धर्म है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जवाहर ने 4-लेन कार्य में भी भाई भतीजावाद को जगह दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये मामला ध्यान में आते ही विधायक और उनके बेटे को भी लताड़ लगा चुके हैं। अंत में माननीय विधायक जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कभी आपको अनपढ़ नहीं कहा। अगर आप कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं आप और आपने जो है ठाकुर कौल सिंह जी को हराया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रजातंत्र में लोकतंत्र में पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। अतीत में बहुत अच्छे अच्छे हमारे नेता हुए हैं जिनका दूर दूर तक शिक्षा से कोई नाता नहीं था ना रहा है, बावजूद उसके उन्होंने बहुत ही सभ्य संस्कार और संस्कृति का परिचय देते हुए लोगों की डट के सेवा की है। और अगर ठाकुर कौल सिंह जी का आपने सही मायने में मुकाबला करना है तो काम करके लोगों का दिल जीत कर धर्म चुनाव क्षेत्र का विकास कर करके आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। उनको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके खाली विकास से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके नहीं कर सकते। ठाकुर कौल सिंह जी आपको मालूम होगा कि 1998 से 2003 जब बीजेपी की सरकार थी ठाकुर कौल सिंह जी विपक्ष में थे, विधायक थे, माननीय धूमल जी मुख्यमंत्री थे और द्रंग का जो वकालत विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जिस तरीके से जिस फिगर एंड फैक्ट के आधार पर ठाकुर कौल सिंह जी करते थे उसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने की है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उस दौरान एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पर ठाकुर कौल सिंह जी की जो चर्चा थी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जो जन हित के मुद्दे उन्होंने जिस बखूबी तरीके से उठाए, जोरदार तरीके से उठाए, उसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी दिया गया है। हम भी चाहते हैं कि आपको जो है सर्वश्रेष्ठ का विधायक का पुरस्कार मिले क्योंकि आप द्रंग चुनाव क्षेत्र के विधायक हैं। उसके लिए आपको द्रंग की आवाज को विधानसभा के अंदर ले जाना हो, द्रंग की विकास कार्यों को गति देनी होगी, द्रंग के जो पिछड़े हुए जो कार्य हैं उनको जो है गति देनी होगी, द्रंग में जो है विभिन्न विभागों में जो अलग अलग विभागों में कर्मचारियों के पद खाली है उन पदों को भरना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना होगा,
सड़क की जो दयनीय हालत को जो ठीक करना होगा, शिक्षा क्षेत्र में जो अध्यापकों की कमी है उनको जो है पूरा करना होगा, तब जाकर के आप जो है ठाकुर क्रॉसिंग की बराबरी कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त करें, लेकिन अनाप शनाप घटिया निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करके ठाकुर कौल सिंह का मुकाबला नहीं किया जा सकता माननीय विधायक महोदय जी। धन्यवाद।